हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन रुद्रा एजुकेशन। स्वागत है सभी का। एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दैट वर इन न्यूज़ इन 2020, राइट, एंड इन 2021 वी विल ऑल्सो डिस्कस। दिस इज़ अ कम्प्लीट सिक्वेंशियल पार्ट एंड ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट वन में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी हैव डीपली डिस्कस दैट, राइट। एक एक क्वेश्चन को हमने इलेबोरेटली डिस्कस किया है। आप देखिए किस प्रकार से मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपको बहुत मदद करने वाला है, सो हम लोग इस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर यदि आपको चाहिए कि आपको पीडीएफ मिले, आपको रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ प्राप्त हो, तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, आप जाइए रुद्रा सर ऑफिशियल, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मेरा फोटो बना होगा, आप उसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स इत्यादि मिल जाएंगे, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्यूबिक बे के बारे में बात की थी। और क्यों चर्चा में आया था ये, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन होमो ल्यूजेनेसिस, मतलब एक बहुत प्राचीन मानव की प्रजाति पाई गई है। और ल्यूजोन क्या है, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ल्यूजोन ये, और यहीं पर इनकी राजधानी मनीला भी लोकेटेड है, राइट। तो देख लीजिए बिल्कुल वियतनाम के पैरेलल आता है, और फिलीपींस इज द फर्स्ट कंट्री जिसको हम लोग देने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। वियतनाम भी कई दिनों से जो है ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है भारत से, क्योंकि चाइना जो है एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर चुका है यहाँ पे, और ये छोटे जो देश हैं ये परेशान है अपने आप में चाइना से। मैंने चाइना की 9-line के बारे में भी डिस्कस किया था, दिस चाइना 9-line, राइट। और ये साउथ चाइना सी जो है उस पर वो अपना पूरा एकाधिकार बताना चाहता है ना। तो यहाँ पर आपको ताइवान को तो चाइना एक देश के तौर पे मानता भी नहीं है ना। इवन जापान या कोई भी देश ताइवान को एक कंट्री बोल देते हैं। अभी चर्चा में आया था ये भी रिसेंटली मुद्दा कि जापान के पार्लियामेंट में उन्होंने एज ए कंट्री की कोविड पेंडेमिक से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है ताइवान ने। तो ताइवान की राजधानी है तेपई, राइट। और मैं आज आपको एक और बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगा, मकाऊ जो कि इनका स्वायत्त रीजन है हांगकांग, जिस पर इन्होंने अब कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पर हांगकांग और मकाऊ ये दोनों जो शहर है इनको जोड़ने वाला एक ब्रिज भी बनाया गया। तो ये पूरा जो रीजन है इस पर चाइना अपना 9-line जो है इस पर चाइना अपना एक पूर्ण कब्जा मानता है ना। और इसी के लिए क्या होता है कई बार, ये देखिए ये जो है ये 9-line है, 1 ये और यहाँ से ये, और इस तरह से ये पूरा रीजन आप देख लीजिए, ये पूरा ये अपना रीजन क्लेम करता है। और इसीलिए समय समय पर क्या होता है, समय समय पर यूएसए ताइवान में, कभी जापान में, फिलीपींस में अपने जो सबसे बड़े युद्धपोत उन्हें भेजता रहता है, राइट। और कंबोडिया की राजधानी आपको जरूर पता होनी चाहिए, फॉम पेन। और वियतनाम की राजधानी यदि पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए वियतनाम, जो कि चाइना का एक मतलब प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है, ताकतवर देश है अपने आप में, लेकिन चाइना के सामने तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको लाओस, वियेंटियन राजधानी याद रखनी, थाईलैंड की, बैंकॉक याद रखनी, कंबोडिया, और कंबोडिया में ही है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और उसका नाम क्या है, राइट, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी। हाँ, होचीमिया सिटी वियतनाम का सबसे बड़ा, देखिए ये पूरा जो देश है ना, ये वियतनाम है, और वियतनाम एक आशियान कंट्री है ना। पहले दो वियतनाम थे, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ पर तो कंट्रोल था कम्युनिस्टों का, और साउथ वियतनाम पर कंट्रोल था यूएसए, यूके इत्यादि, तो यूएसए मेनली, राइट। चलिए, दुशांबे के बारे में हमने बात की थी, ये राजधानी है तजिकिस्तान की, है ना। और एक बार फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया है, मैंने आपके वीडियो को देखा उसमें किसी ने आंसर नहीं दिया, प्लीज़ गिव मी द आंसर,
कि भाई वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, इनके प्रेसिडेंट के नाम पर है, राइट। तो अल्मेटी भी बहुत चर्चा में रहता है शहर, अल्मेटी शहर कभी पूछ लिया जाए तो बताएंगे आप कजाकिस्तान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरकंद, ये तो हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अरल सी मैंने आपको डिस्कस किया ही था, कैस्पियन सागर के पांचों देश मैंने आपसे डिस्कस किए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है इसे चोक पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, एक मिनट, चोक पॉइंट कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, राइट। और है ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये एक्चुअल में कहां है, क्यों इसे चोक पॉइंट कहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो दुनिया का जो 1/5 ऑयल है, दुनिया में जो 1/5 ऑयल जो कि यहीं से इंडिया, चाइना और दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है, ये ऑयल के ऊपर जो कंट्रोल है वो, ये जो रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इस पर ईरान का कंट्रोल है, ईरान का, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया, ईरान का कंट्रोल है और इस क्षेत्र में ईरान जो है एक ताकतवर देश है, राइट। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वैसे ये यूएई, ये जो पूरा यूएई है और ईरान के बीच में, और यहां पर इसके यहां पर ये किस किस को जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है। बहरीन जो है एक छोटा सा देश है यहां पर, और कतर ये भी एक देश इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए इराक में यहां पर दजला फरात नदी गिरती है, और कुवैत यहां पर है, कुवैत सिटीज की कैपिटल है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहां पर भारत ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था, और इसके पीछे रीजन क्या था, देखिए यहां पर इंडिया को के ऑयल को लेकर आने वाले इंडियन फ्लैग बियरर वेसल्स होते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सेफ पासेज हो सके, इसीलिए इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया वन वारशिप, एक युद्ध पोत, और वो क्या करेगा, हमारी जो हमारे जो शिप्स हैं उसको आसानी से लेकर आ सकेगा। और क्या हुआ था बीच में, क्या देखा था हमने कि जो ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान में 2 ऑयल टैंकर वर अटैक्ड, और इसके पीछे कारण क्या था, ईरान की तरफ से अटैक हुआ था। और रीजन क्या था, आपको याद आ रहा होगा, अमेरिका ने जो जनरल कासिम सुलेमानी को यूएसए ने जब वो इराक गए थे तो वहां पर मार गिराया था। तो ऑपरेशन संकल्प, ये 19 जून 2019, तो ये एक ऑपरेशन संकल्प के रूप में चलाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑपरेशन संकल्प भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी, और ईरान पूरे दुनिया के ऑयल सप्लाई को चोक कर सकता है, इसीलिए अपने आप में इसको चोकिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। यहां पर देखिए क्या है, पैसिफिक ओशन जो है यहां पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बन चुका है, ईस्टर्न गार्बेज पैच और वेस्टर्न गार्बेज पैच, क्या है ये, प्लास्टिक है पूरी तरह से। तो यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट ओशन क्लीनअप टू सेकेंड अटेम्प्ट टू क्लीनअप द यूज आइलैंड ऑफ ट्रैश स्विरलिंग ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो इसको खत्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट ओशन क्लीनअप इसे चलाया गया, ओशन क्लीनअप को चलाया गया, कहां पर, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को खत्म करने के लिए। यहां पर क्यूरोशिया जलधाराएं हैं, कैलिफोर्निया जलधारा है, तो इनकी जलधाराओं के कारण क्या होता है, इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में ये इस प्रकार के गार्बेज पैचेस आ गए, राइट। टू एनॉर्मस मासेस ऑफ एवर ग्रोइंग गार्बेज, और इसके कारण यहाँ का जो इकोलॉजी है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हवाई द्वीप भी देखो यहाँ पर आता है, तो आसपास का पूरा इकोलॉजी, और मैंने आपको कई बार बताया कि 2050 तक, 2050 तक जो टोटल वेट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो भार होगा समुद्रों में, वो मछलियों से, जो टोटल मछलियाँ हैं समुद्रों में उनसे ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न गार्बेज पॉइंट, इसके लिए आपको याद रखना है ना कि ओशन क्लीनअप चलाया गया।
और कुछ देखिए इस प्रकार का प्लास्टिक पूरे समुद्र में, देखिए कितने भयावह हालात आने वाले समय में होने वाले हैं। व्हाट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, किस तरह के दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, सोचने का समय आ चुका है। सारगासो सागर, द नेक्स्ट पॉइंट इज सारगासो का सागर। यहां पर देखिए क्या है, ये अटलांटिक ओशन में आता है और फ्री फ्लोइंग सीवीड जिसे हम क्या कहते हैं सारगासम, ये एरिया बहुत फ्लोरिश एरिया है। यहां पर दो समुद्री जलधाराएं मिलती हैं और फाइनली क्या है, यहां पर मछलियों के लिए भी बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। तो दैट आर होलो पेलागी, तो यहां पर ये होलो पेलागी और इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक मिनट, इसका मतलब होता है दैट मींस दैट द एल्गी नॉट ओनली फ्रीली फ्लोट अराउंड द ओशन बट इट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली ऑन हाई सीज। तो देखिए समुद्र जो है, समुद्र के ऊपर बिना लैंड के ये यहां पर उगने लग जाती है और यही क्या है सारगासम, सारगासो का सागर। देख लीजिए कुछ इस प्रकार की ये एल्गी है, शैवाल है, एक प्रकार की शैवाल है, राइट। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि गल्फ स्ट्रीम यहां से उठती है, स्मॉल सारगासो का सी ये है और ये गल्फ स्ट्रीम और यहां पर कैनरी ठंडी जलधारा ये आती है और इन दोनों का यहां पर मिलन होता है, ये सारगासो का सागर बनता है। और ये जो गल्फ स्ट्रीम है वो यहां से उठती है, इधर से टकरा के और फिर ये क्या बनाती है नॉर्थ अटलांटिक करंट, और यहां पर जब ये आती है तो इसे गल्फ स्ट्रीम को ही इंग्लैंड का गर्म चादर के नाम से भी जाना जाता है। और एक स्मॉल सार, तो ये सारगासो का सी जो है ना ठंडी गर्म जलधारा के मिलने से, और ये एरिया एस्पेशली मछलियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लाइज इन द नॉर्दर्न अटलांटिक सब ट्रॉपिक, इट डिफाइंस बाय ओशियन करंट्स। देखिए यहां पर गल्फ स्ट्रीम एस्टैब्लिश द सारगासो सीज वेस्टर्न बाउंड्री वाइल सी फर्दर डिफाइंड, और यहां पर कैनरी की जलधारा, ये दोनों जो मिलती है कैनरी की ठंडी जलधारा जो कहां से आ रही है दोस्तों, ये आ रही है यहां से। तो यहां पर जो है सारगासो का सी सागर बनता है, राइट, ये हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट आ रहा है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माउंट एटेना, जो कि एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है इटली के अंदर। आपने एक और ज्वालामुखी का नाम सुना होगा स्ट्रामबोली, मैं एक बार देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, स्ट्रामबोली बिल्कुल दिखाई दे रहा है आसानी से, यस। सो स्ट्रामबोली को तो क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोला जाता है, कोई बताएगा मुझे, किसी को याद है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का जो पुंज है, अग्निपुंज, ज्वलता हुआ पुंज कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और यहां पर जो है दुनिया के बहुत सारे वॉल्केनोस पाए जाते हैं, उनमें से एक है एटना, एक आपने वेसुवियस भी बहुत बड़ा जो है वॉल्केनो है, एटना ये सिसली आइलैंड में है एटना, ठीक है। तो माउंट एटना क्या है, एक एक्टिव कंपोजिट वॉल्केनो है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसली, देखिए सिसली जो आइलैंड है उसके ईस्टर्न कोस्ट पर एटना है। स्ट्रामबोली इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेसुवियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट लाइज ऑब्जर्व कंजर्व, और देखिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर है ये, और यूरोप का जो पार्ट है यहाँ पे कॉकेशियस रेंज है उसके आउटसाइड वाले भाग में। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर इतने सारे एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, आपने एक बात और सुनी होगी रिंग ऑफ फायर, तो वहां पर भी क्या है, आपने रिंग ऑफ फायर में क्या देखा है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है जापान और एशिया की, उसमें ये है ओशियन प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट, ये ओशियन प्लेट, हमेशा जो ओशियन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट हमेशा नीचे चली जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो महाद्वीप है अफ्रीकन प्लेट, वो तो क्या हो रही है नीचे जा रही है, क्यों, क्योंकि हमेशा जो समुद्री प्लेट होती है वो हमेशा हैवी या भारी होती है, राइट, और इसीलिए क्या होगा अफ्रीकन प्लेट नीचे धस रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जब ये एस्थेनोस्फेयर गर्म
एरिया में पहुंचता है तो यहां पर ये बर्न होकर ये ऊपर की तरफ उठने लगता है और फिर क्या होगा, अपनी हीट को निकालने के लिए समय समय पर ये ज्वालामुखी क्या होता है, अपने में से मैग्मा निकालते रहते हैं, मैग्मा। और मैग्मा फाइनली जो इस फॉर्म में होता है, इस तरह के फॉर्म में यदि कोई वॉल्केनो है लाइक दिस शेप, तो इसको क्या बोला जाता है, ये अपने आप में एक माउंटेन माउंटेन फॉर्म वॉल्केनो है, स्ट्रेटो वॉल्केनो कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो। और ये क्या होता है, इस तरह से ये मैग्मा निकलेगा और मैग्मा फिर लावा बन जाएगा, लावा ठंडा हो जाएगा और काली मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को बनाने में मदद करेगा। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इसके नीचे लगातार क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट हो जाती है, सबडक्ट का मतलब नीचे चली जाती है और यहां से ये अग्नि के जो ये जो पार्ट धरातल के अंदर चले गए, जो ज्वलंत पार्ट है, वो अपने आप को रिलीज करता है वॉल्केनो के रूप में। तो इस प्रकार से एटना, विशुवियस और स्ट्रैम्बोली द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, राइट, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, माउंट सिनाबंग, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडोनेशिया का माउंट सिनाबंग, ये इस रीजन में आता है, माउंट सिनाबंग सुमात्रा आइलैंड की। हमने क्या पढ़ा था, सुमात्रा आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार, और हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी, जावा जो द्वीप है उसमें जकार्ता राजधानी पाई जाती थी, ये पहले की राजधानी, वर्तमान में राजधानी क्या है इंडोनेशिया की, ईस्ट कैलिमेंटन। दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलागो कौन है, द्वीप समूह कौन है, इंडोनेशिया बताएंगे आप। तो माउंट सिनाबंग, इट इज अ कॉम्पोजिट वॉल्केनो इन कारो प्लेट्यू ऑफ कारो रेजिडेंसी नॉर्थ सुमात्रा, यहां पर यह पाया जाता है माउंट सिनाबंग। यहां पर भी समय समय पर क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है और इसके पास में लेक टोबा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक टोबा भी। तो माउंट सिनाबंग एक प्रकार का स्ट्रेटो वॉल्केनो है, वॉट इज स्ट्रेटो वॉल्केनो, अगेन दिस शेप वॉल्केनो इज स्ट्रेटो वॉल्केनो। अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ कुछ मैपिंग के बारे में और बता दूं, जैसे ताइवान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तेपई है, ताइवान के ऊपर ऐसी उम्मीद है कि 2-3 या 4 साल के अंदर अंदर चाइना अटैक करेगा और इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत से देश आ रहे हैं, ताइवान को भी सुनिश्चित है कि वो, क्योंकि चाइना हमेशा से चाहता है कि ताइवान पर कब्जा कर लें और ताइवान को ये एक देश भी नहीं मानता, ये मेनलैंड चाइना का हिस्सा मानता है। मकाऊ एंड हांगकांग, देखिए पुराना मैप है, हांगकांग यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था, वर्तमान में चाइना ने एक बिल पास करके इसको अपने अंदर शामिल कर लिया है। कैपिटल ऑफ वियतनाम इज हनोई, लाओस की कैपिटल वियंटियन याद रखनी है आपको, थाईलैंड बैंकॉक, और ये सफ़ेद हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं, कंबोडिया की फॉम पैन, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, एग्जैक्टली साउथ में सिंगापुर, यहाँ से आजकल भारत में बहुत ज़्यादा FDI आता है। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी और यहाँ पर पड़ता है ईस्ट कैलिमेंटन, अभी बताऊँगा राजधानी, जकार्ता वर्तमान में कैपिटल नहीं है। और म्यांमार की राजधानी है, ये पुराना बताया हुआ है, नेपिदे है ना, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और साथ ही साथ में आपको 9 डैश लाइन चाइना के बारे में भी आपको पता चली गया। चलिए अब देखिए, जो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ईस्ट कैलिमेंटन, तो देखिए ईस्ट कैलिमेंटन ये सब इंडोनेशिया का हिस्सा है, जकार्ता ये वाला जावा द्वीप है, ये है सुमात्रा द्वीप जो कि नियरेस्ट अंडमान निकोबार के, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला, ये हिस्से को मैंने आपको यहां शो किया है, और ये जो क्षेत्र है वो है ईस्ट कैलिमेंटन, इसको राजधानी बनाया। क्यों, आने वाले समय में हो सकता है जकार्ता डूब जाए इन केस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत से बड़े बड़े, और इसलिए क्या हो रहा है जो है बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं। अभी आपको याद आ रहा होगा डेनमार्क ने अपनी राजधानी कोपेनहेगन के पास 30,000 लोगों के सेटलमेंट के लिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, दिस इज अ वेरी रिसेंट न्यूज। सो अगला एक और पॉइंट पर बात करने वाले हैं हम लोग, दिस इज चिली एंड अर्जेंटीना, आपको पता होगा चिली एंड अर्जेंटीना पड़ोसी देश है ना। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो है ना, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली,
चिली में ही मैक्सिमम जो एंडीज पर्वतमाला है वहीं है ना। अर्जेंटीना की राजधानी बहुत बहुत सिंपल है, दो अक्षरों में आती है। कैन यू गैस, कैन यू गैस एनीवन? सो इट इज ब्यूनर्स आयर्स। ब्यूनर्स आयर्स बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। तो प्यूर्टो विलियम हैज बीन अपग्रेडेड टू कैटेगरी ऑफ सिटी। तो प्यूर्टो विलियम ये जो शहर है इसे एक सिटी के रूप में बाय चिलियन ऑथोरिटी, चिली में आता ही है, साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसे क्या कहा गया है? पोर्टो विलियम को, जो चिली का शहर है, उसे साउदर्न मोस्ट, दक्षिणवर्ती शहर का दर्जा दिया गया है, राइट? तो ये बात आपको याद रखनी, कभी आपसे मैप पे पूछ लिया जाए। एक और बात आपको मुझे बताना है, दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है? नॉर्दर्न मोस्ट मतलब उत्तरतम राजधानी कौन सी है, और जब राजधानी पता है तो वो देश भी बता देना आप, है ना। ये एक प्रश्न आपसे है, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक और प्रश्न पूछ लेता हूं, साउदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है और दुनिया की उत्तरतम राजधानी कौन सी है? और प्यूर्टो विलियम ये दुनिया का दक्षिणतम शहर है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो रीसेंट अपडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो इजराइल देश है उसके जो राष्ट्राध्यक्ष जो अब जा चुके हैं, आज मैं वीडियो बना रहा हूं उसके तहत, नेफ्ताली बेनेट बन चुके हैं हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, जो जाते जाते उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अटैक किया गोलन हाइट्स पर। ये गोलन हाइट को पूरी तरह से कब्जा लिया है इसराइल ने, पहले ये इसराइल का हिस्सा नहीं था, सीरिया का हिस्सा, ये गोलन हाइट, जॉर्डन सीरिया ये है ना, ठीक है। दमिश्कस इज द राजधानी ऑफ, कैपिटल ऑफ सीरिया, राइट? तो गोलन हाइट्स हमेशा चर्चा में रहता है और इसका मेजर पार्ट जो है ना आज की तारीख में इसराइल ने कब्जा लिया, राइट? तो एरिया साउथ हाउसेज ऑफ द जॉर्डन, ये आपको याद रखना है। सी ऑफ गैली ये भी बिल्कुल जॉर्डन और इसराइल के पास में, डेड सी भी यहीं पड़ता है, और इसराइल मेडिटेरेनियन सी पर है, लेबनान से भी मेडिटेरेनियन सी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा किया था, राइट? और यहाँ पर सी ऑफ गैली बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुनिया की सबसे लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, दुनिया की सबसे नीचे स्थित गैली आका लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, डेड सी जो है ये भी इजराइल और जॉर्डन, आने वाले मैप में दिखाऊंगा मैं, डेड सी ये भी डीपेस्ट पॉइंट जो है अर्थ पर वो क्या है, डेड सी है। लैंड की बात करें, वैसे सबसे गहरा बिंदु कौन सा कहलाएगा, मैरियाना ट्रेंच, वो पैसिफिक ओशन, वो समुद्र में धरातल पर, डेड सी जो है वो लोएस्ट पॉइंट है, राइट? तो दिस इज डेड सी, ये डेड सी है, किसके बीच में देख लीजिए, इसराइल जो है इसमें, एक तो है गाजा, ये गाजा पर कंट्रोल किसका है, हमास, हमास ग्रुप का, और ये वेस्ट बैंक का इतना बड़ा हिस्सा नहीं, काफी हद तक इसराइल ने ले लिया है। और जॉर्डन, इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच में यहां पर पड़ता है डेड सी, और ये दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है, और ये एक प्रकार की एंडोरिक, एंडोरिक लेक भी है। अब आप पूछेंगे क्या होती है एंडोरिक लेक, देखिए ये इस प्रकार की झीलें होती है जिसमें नदियों से पानी तो इसमें पहुंच जाए लेकिन यहां से कोई नदी ना निकले। जैसे हमने एक दिन बात की होगी, यदि आपने कभी सुना होगा, वुलर झील, वुलर झील कौन से नदी पर स्थित है, आप बताएंगे झेलम नदी पर, और झेलम नदी वुलर झील में पानी भरती है फिर आगे भी निकल जाती है। लेकिन जो कैस्पियन सागर है वो दुनिया की सबसे बड़ी एंडोरिक लेक है। इसका मतलब क्या है, एंडोरिक लेक का मतलब है कि उसमें से कोई नदी ऐसी नहीं निकल रही है जो समुद्र में है ना, ओशन में जा रही है। तो दुनिया की सबसे बड़ी एंडोरिक लेक दैट इज कैस्पियन सागर, और दुनिया की एंडोरिक लेक में ये सॉल्टिएस्ट, वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट है, डेड लेक। दुनिया की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप क्या नाम बताएंगे, वॉन झील, वॉन झील दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। हमास गाजा से संबंधित है, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाइपरसेलाइन है, क्यों, क्योंकि
इसका जो जल है वो 280 पर 1000 है ना, 280, 280 प्रति 1000, ये इसकी सैलिनिटी है, प्रति 1280 है ना। इसका मतलब लगभग 28% पानी में खारापन है इसके, राइट, डेड सी के, मृत सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये रशियन टेरिटरी है, यहीं पर आपको याद आ रहा होगा क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जा लिया था रशिया ने, क्रीमियन पेनिनसुला, और उसके बाद में उसको G8 से बाहर भी कर दिया गया था, रशिया को 2014 में बाहर कर दिया गया। तो सी ऑफ एजोव ये है, और यहां से क्या होता है, रशिया का जो मेजर नॉर्दर्न पार्ट है वहां से मूवमेंट, शिप मूवमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अधिकतम समय में क्या होते हैं, बर्फ से जमे हुए होते हैं। तो ये जो रोस्तोव ऑन डॉन, यहां से इनके शिप जाते हैं, सी ऑफ एजोव में होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, सी ऑफ एजोव से होते हुए, ब्लैक सी होते हुए, इस्तांबुल से क्रॉस करते हुए सी ऑफ मरमरा में आते हैं रशिया के शिप्स, और उसके बाद में ये एजियन सी में आते हैं, और एजियन सी तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, अल्बानिया देश वगैरह, और फाइनली एजियन सी, सॉरी वो अल्बानिया नहीं था, है ना, हाँ, एजियन सी से होते हुए और फाइनली क्या होता है, ये मेडिटेरेनियन सी में आ जाता है। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखना, रोस्तोव ऑन डॉन रशिया का एक पोर्ट, और यहीं पर क्रीमियन पेनिनसुला, ब्लैक सी, राइट, ब्लैक सी के बाद में ये गए सी ऑफ मरमरा, फिर एजियन सी होते हुए ये आ जाएंगे। तो देखिए एजोव सी, इट इज बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय यूक्रेन, नॉर्थ वेस्ट में तो यूक्रेन से बाउंडेड है, साउथ वेस्ट में किससे बाउंडेड है भाई, रशिया से। ये देखिए साउथ में रशिया से बाउंड, टू साउथ ऑफ इट्स लिंक टू बी नैरो स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो यहां पर कर्च, कर्च है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा, स्ट्रेट, ये कर्च नाम का शहर है, स्ट्रेट ऑफ कर्च ऑन द ब्लैक सी, राइट, कर्च स्ट्रेट ऑन एंड कनेक्शन बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव के बीच में ये जल संधि का काम करती है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी आपसे, राइट। तो देख लीजिए सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी, कर्च स्ट्रेट, उसके बाद में इस्तांबुल, जिसे एंट्री गेट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, इस्तांबुल को ही हिस्टोरी में कुंस्टुंटुनिया, कुंस्टुंटाइन जो कहते थे वो यही है, उसके बाद में सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, और फाइनली मेडिटेरेनियन सी में, और उसके बाद में जिब्राल्टर में चले जाइए भले, और फिर एटलांटिक ओशन में, या फिर नीचे आएंगे इंडिया में आना है यदि रशिया के शिप को, तो वो कहाँ से निकल जाएगा, स्वेज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, और फिर वो अरेबियन सी में आ जाएगा। यस और नो? आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दुनिया की अभी एक सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील मिली है, जिसका नाम क्या है, काजिन सारा झील, कहां पर लोकेटेड है भाई, नेपाल में, और ये झील डिस्कवर्ड की गई, इससे पहले भी जो झील थी वो दुनिया की नेपाल में ही थी, हिमालयन मेल्ट वाटर, और ये पहले नहीं पता था, तो यहां से पानी मेल्ट होता है और यहां पर ये झील, ठीक है, इससे पहले जो थी उसका नाम क्या था, टिलिचो लेक, राइट, और ये 5200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक झील है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल, नेविगेबल का मतलब समझ गए, जिस पर जलयान वगैरह है, नेविगेबल लेक कौन सी है, तो आपको आंसर देना है बोलिविया देश में एक लेक पड़ती है, लेक टिटिकाका, बहुत नाम सुना होगा आपने, टिटिकाका, राइट, टिटिकाका, तो टिटिकाका जो लेक है दैट इज द हाईएस्ट नेविगेबल, बट कंजिन सारा लेक ये नेपाल में है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे पर्ल रिवर, ये पर्ल रिवर कहां की है, चाइना की है, क्यों चर्चा में है अभी बताऊंगा मैं आपको। लेक बेकाल क्यों चर्चा में चला, कमचटका, ये कामचटका आइलैंड तो रशिया का हमेशा चर्चा में रहता है, और जिब्राल्टर, इन सभी पर हम लोग लोकेशन पर भी बात करने वाले। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो मकाऊ है, जो कि चाइनीज टेरिटरी है, हांगकांग को पूरी तरह से कब्जा लिया, इसके बीच में यहां से निकलती है रिवर पर्ल, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज बनाया गया ताकि इन दोनों को जोड़ दिया जाए,
हांगकांग, जुआई, मकाऊ, ब्रिज इन पर्ल रिवर डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्ल रिवर, ठीक है। पर्ल रिवर चाइना की याद रखना, ये रहा पर्ल रिवर, राइट। और यहीं पर क्या है, मकाऊ है, यहां हांगकांग है, और हांगकांग, जुहाई और मकाऊ को जोड़ा गया। ये पिछले साल बहुत ज्यादा चर्चा में था। अब दूसरा पॉइंट था कि भाई लेक बेकाल, ये कहां पर है, रशिया में, एक बनाना केले के शेप की लेक है, दुनिया की सबसे गहरी में से एक झील, सबसे गहरी झील में से एक है लेक बेकाल, सबसे गहरी झील है ये। डीपेस्ट पॉइंट कहां है, तो आपको याद बताना होगा, डेड सी में, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है, जिन्हें हम लोग कहते हैं घोस्ट पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो क्या होते हैं, घोस्ट पार्टिकल्स। ये ऐसे तत्व हैं ब्रह्मांड के जो मेरे शरीर के आर पार निकल जाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयन आयन से आयनाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को भी, ये मान लो अर्थ है, न्यूट्रिनो आए पृथ्वी को पार करते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो रशिया ने डिप्लॉय किया है जाइंट स्पेस टेलीस्कोप इन लेक बेकाल, किसको अध्ययन करने के लिए, न्यूट्रिनो को अध्ययन करने के लिए। क्या भारत में भी न्यूट्रिनो से रिलेटेड रिसर्च चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और ये जो है थैनी, तमिलनाडु के थैनी नाम की जगह पर हमने इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी वेदशाला हमने लगाई। तो लेक बेकाल, इंडिया का लिंक, ये टेलीस्कोप क्या करते हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारे न्यूट्रिनो पार्टिकल, जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा के पार्टिकल, वैसे ये पार्टिकल्स, और इनसे हमें ना यूनिवर्स को समझने में मदद मिलेगी। कामचटका रीजन है रशिया का, ये वाला रीजन, जिसके नीचे फिर जापान आ जाए। ये यहां पर बहुत सारे जो है ना एल्गी, शैवाल देखने को मिली, बहुत सारी एल्गी, जिसके कारण है ना बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी देखने को मिला यहाँ, और यहाँ पर बहुत सारे शिप भिड़ भी गए थे। इसके अलावा कामचटका में आपको पोलर बियर भी मिलेंगे, पोलर तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, कामचटका पेनिनसुला, और कामचटका पेनिनसुला और रशिया के बीच में सी ऑफ अखोस्टक, ये आपको जरूर याद रखना है। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, कुरिल आइलैंड, इन कुरिल आइलैंड के बीच में क्या है, रशिया और जापान का कॉन्फ्लिक्ट, विवाद भी है। तो इसीलिए मैपिंग को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुरिल आइलैंड के लिए किन दो देशों के बीच में विवाद है। एक और प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे, स्पार्टले, स्पार्टले जो आइलैंड है वो किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है, पोलर बियर, कामचटका, ये पेनिनसुला, ठीक है, एक प्रकार का पेनिनसुला है, तीन जगह से क्या है, पानी से घिरा हुआ। ये जो जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां से देखिए अटलांटिक सी, अटलांटिक सी से होते हुए शिप्स आते हैं जिब्राल्टर में, और ये जो जिब्राल्टर है, ये जो भाग है, ये किसका है, एक्चुअल में यूके का है, जबकि पूरा रीजन क्या है, स्पेन है, ये यूके का कंट्रोल में। और यहां पर मोरक्को में कौन सा है, स्यूटा, स्पेन, ये स्पेन का हिस्सा है स्यूटा, ये वाला भाग, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी के लिए एंट्री गेट ये जिब्राल्टर है ना। जिब्राल्टर क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, छोटा माउंटेन, आप कभी मैप में देखना, कभी आप इसका बहुत शानदार फोटो देखेंगे ना, तो बहुत ही शानदार व्यू है इस पूरे आइलैंड का, ये वाला जो पेनिनसुला टाइप का भाग है, राइट। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम लोग इन तीन पॉइंट को और डिस्कस करते हैं गाइस। और ये क्या है, दुकम पोर्ट, असम्पशन आइलैंड और चांगी नेवल बेस, इन तीनों जगह पर भारत ने अपने नेवल बेसेस बनाए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना की पॉलिसी है उसको डेटर स्टॉप करने के लिए। तो देखिए पोर्ट ऑफ दुकम कहां है, आपको याद रखना है ओमान में, तो हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम लोग भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। असम्पशन आइलैंड किसके हैं, असम्पशन आइलैंड है मॉरिशियस के, यहां पर भी हम लोग नेवल बेसिस को बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल परमिशन भी है, तो ये मॉरिशियस, ठीक है। और डिएगो गार्शियो क्या है, यूएसए का नेवल पोर्ट है, यूएसए का, और ये डिएगो गार्शियो क्या है, चागोज आइलैंड में आता है, चागोज जो है ये यूके के हिस्से हैं, लेकिन यूएसए को इंग्लैंड ने दिया हुआ है, यूके ने दिया हुआ है डिएगो गार्शियो पोर्ट। और ये जो शांगी पोर्ट है ये कहाँ लोकेटेड है, सिंगापुर में, देखिए मोदी, पीएम मोदी यहां पर है, प्राउड टू बी विद नेवल सेंटिनल्स पीएम ऑन बोर्ड आईएनएस सतपुड़ा विच विजिटिंग चांगी नेवल बेसल
फिटिंग फिनाले टू मेमोरेबल विजिट ऑफ सिंगापुर, तो ये भारत जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा है। इज इट क्लियर? ये कुछ पॉइंट आपको और पता होने चाहिए। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल पास ही में चाबहार पोर्ट है और इधर पाकिस्तान का एक पोर्ट गवादर पोर्ट है, राइट, उससे कनेक्टेड है सीपैक, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CEPC। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किससे संबंधित है? बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से संबंधित है, राइट। कौन कौन से देश पर्शियन गल्फ से मिलते हैं? ईरान, इराक, कुवैत, छोटा सा आइलैंड बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, ये सब पर्शियन गल्फ के चारों ओर देश, राइट। रेड सी, रेड सी में यहां पर ये जो है ये पूरा, और देखिए ये वाला जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये एक समय पर ये इजराइल ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसे सेनाई पेनिनसुला कहते हैं, सेनाई पेनिनसुला, फिर इजिप्ट ने एक हस्ताक्षर के बाद इसको वापस लिया। और ये जो जॉर्डन और ये वाला जो हिस्सा, ये गोलन हाइट है, जिस पर हमने गोलन हाइट पर अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो इसराइल ने कंट्रोल में ले लिया, राइट। तो समड पाइपलाइन वगैरह भी लगाई जा रही है, बहुत सारे। बाबल मंडेब एक जल संधि है, वाटर स्ट्रेट है, किस किस के बीच में हमेशा पूछा जाता है, लाल सागर और गल्फ ऑफ एडेन के बीच में, और गल्फ ऑफ एडेन के बाद में शिप्स किस में आ जाएंगे? अरेबियन सी और देन इन इंडिया, राइट। चलिए, तो अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा थर्ड लेक्चर, पार्ट थर्ड, और दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंडियन मैप, इंडिया के मैपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उस पर चर्चा करेंगे। वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस यू, यू मस्ट शेयर द वीडियो, एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।